किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज लाई हूँ चटोरों की जान, पुरानी दिल्ली की शान। तो आज हम बना रहे हैं गोल गप्पे, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक कटोरी हमने बारीक सूजी ली है। सूजी हमें गोलगप्पे बनाने के लिए बारीक ही लेनी है, और ये आधी की आधी कटोरी, एक चौथाई हमने इसमें आटा लिया है गेहूं का। हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल रहे हैं, एक करछी में हम रिफाइंड डाल रहे हैं। इसको अपने हाथ से मिलाइए ऐसे। इसमें हम गुनगुना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और पानी आप थोड़ा थोड़ा डालिए। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट जब तक हमारा आटा रेडी हो रहा है, इतनी देर हम अपने गोलगप्पे के अंदर के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आधा प्याज मैंने ये बारीक बारीक कट कर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो रहने भी दो। ये हरा धनिया बारीक चॉप करा हुआ, ये एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कर ली है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जीरा, इसी लाल मिर्च, और इसे मिक्स कर। ये हमारे अंदर की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, और अब हम इतनी देर गोलगप्पे बनाते हैं। देखिए हमारा एकदम आटा तैयार हो गया है ये, और हम इसको ऐसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे करेंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसकी लोई तोड़ रहे हैं। ये हमने देखिए पेड़ियां जो तोड़ी थी उसे गोल कर लिया है, और इतनी देर हमने अपनी कढ़ाई को ऑन कर दिया गैस को, तो हमारा घी भी गर्म हो रहा है, और अब हम गोलगप्पे बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए बस हमने एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही बेलना है, बिल्कुल हमने ये देखिए ऐसा बेल बेल के 5-6 अपने साथ रख लीजिए, और फिर हमें तलेंगे। ये देखिए ज्यादा बेलन हम इसमें नहीं मारेंगे, क्योंकि फिर फूलने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कई बारी, तो आप बस एक ही डायरेक्शन में इसमें मारिए। ये देखिए ये देखिए आप कितने अच्छे हमारे ये फूल रहे हैं गोलगप्पे, चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए, और आप इसे ऐसे पलट लीजिए, जब ये फूल जाए तो एक बार गैस मंदी कर दीजिए। इसे हम निकाल रहे हैं, और ऐसे जितना भी एक्स्ट्रा घी है आप उसे कर लीजिए। देखिए हमने थोड़े से गोलगप्पे और बेले हैं, और अब हम इसे दोबारा और तल रहे हैं। करछी आप ऐसे चलाइए तो ये सारे गोलगप्पे के ऊपर घी भी जाता है, और ये फूलते भी है सारे। देखिए आप जैसे आप देखिए मेरा एक दो गोलगप्पे नहीं भी फूले तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, उसमें उसको हम थोड़ा पापड़ी चाट में यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कितने ये क्रंची हैं। ये देखिए आवाज सुनिए इसकी, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पानी पूरी की प्लेट एकदम रेडी है, और ये चटपटी स्पाइसी खट्टी मीठी तीखी बहुत ही अच्छी लग रही है, तो आप इसे घर में बनाइए। और वैसे भी आजकल लॉकडाउन है तो बाहर बाजार में तो गोलगप्पे मिल भी नहीं रहे हैं, तो आप इसे घर में ट्राई करिए और खाइए अपने चटपटे गोलगप्पे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।